हम होशपूर्वक न तो जीते हैं न होशपूर्वक जीवन को छोड़ पाते हैं, जीवन को छोड़ते समय भी होश में नहीं रहते हैं। इसलिए जो हमारे पिछले जन्म की घटनाएं हैं, इस जन्म की घटनाएं हैं, वो सब हमें भूल जाती है। चूँकि वो सारी चीज़ें हमारे स्मरण से बाहर चली जाती हैं, विस्मृत हो जाती हैं, तो जब अगले जन्म में हम वही वही चीज़ें फिर करते हैं मूर्खों की तरह। जैसे एक समझदार आदमी है, अगर कोई मूर्खता का कृत्य कर लेता है तो फिर दोबारा उस मूर्खता के कृत्य को नहीं दोहराता है। और अगर होश बना रहे आपका, होश पूर्वक आप जीवन छोड़ सके, तो जितनी मूर्खताएं आपने इस जीवन में की हैं, और मैं आपसे कहूँ कोई एक दो मूर्खता नहीं है। संबुद्ध पुरुषों ने कहा कि पूरे जीवन जो आप करते हैं वो संपूर्ण कृत्य ही आपका मूर्खता का कृत्य होता है। आप धन के पीछे दौड़ते हैं, पदों के पीछे जो दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, अहंकार की लड़ाइयाँ जिंदगी भर लड़ते हैं। आपको लगता है कि नहीं, आपके भीतर तो अहंकार नहीं है, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ आपके जीवन में हैं, जितने संघर्ष आपके जीवन में हैं, सबका एकमात्र कारण अहंकार। जितनी आकांक्षाएँ, महत्वाकांक्षाएँ हैं, उन सबका कारण अहंकार। तो जिन्होंने जाना, उन्होंने कहा जो भी कृत्य आप कर रहे हैं इस जन्म में, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं, पिछले जन्मों में भी यही किए हैं, उनके पिछले जन्मों में भी ऐसे तमाम कृत्य किए हैं, यानी अनंत कालों से यही धन पद प्रतिष्ठा, ये जो आपके प्रेम संबंध हैं, हमेशा आपने पाया कि ये प्रेम संबंध केवल झूठा खेल है, हमेशा आपने पाया कि ये मोह का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये सब होश के अभाव के कारण ये भूल जाता है। अगले जन्म में फिर वही वही सब करते हो। जैसे आपसे कोई कहे कि अगला जन्म दिया जाता है, और ये जो जो आपने इस जन्म में, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर मृत्यु तक जो जो आपने किया, तो क्या यही चीज़ दोबारा करोगे? इसका मतलब कोई भी आदमी पुनः अपने जीवन साथी को नहीं पाना चाहेगा। यानी हर स्टेज आदमी की थोड़ा इवोल्यूशनरी होती है, हर चीज़ इवोल्यूशन विकसित हो रही है। ये इस जन्म में जो किया आपने, पिछले जन्म से कुछ बेटर किया, और पिछले जन्म में जो किया था वो उसके पहले वाले से कुछ बेटर किया था, और जो इसी जन्म में किया है आप इसी को दोहराने को इच्छुक नहीं हैं। तो ये पिछले वालों को अगर दोहराना पड़ जाए तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं कि आदमी कोल्हू के बैल की तरह एक ही परिधि में घूमता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, खांदा पींदा मर जांदा, ईटिंग ड्रिंकिंग रिप्रोड्यूसिंग एंड डाइंग, यही तो मक्खी मच्छर पशु सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन देखो आपकी दशा तो उनसे भी गई गुजरी है, वो ये काम कितनी सरलता से कर रहे हैं। आपके पास जो ब्रेन है उसकी 1 मिलियंथ कम क्षमता है उनकी, यानी लाख हजार गुना कम क्षमता है उनके ब्रेन की, लेकिन यही काम खाना पीना बच्चे पैदा करना इतना ही मक्खी मच्छर पशु कर रहे, इतना ही आप भी कर रहे हो। आप इतना ही काम करने में इतना अशांति, इतना तनाव, इतना उपद्रव झेलते हो, वो आपसे कई गुना अच्छे हैं। वो बेचारे मौज में तो रहते हैं पूरे जीवन, और खेल खेल में काम कर लेते हैं, ना कोई अशांति है उन्हें ना तनाव है। संबुद्ध पुरुषों ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद अपना सारा जीवन किस काम में लगाया? सिर्फ एक काम में लगाया। उन्हें बड़ी पीड़ा, बड़ी कंपैशन, बड़ी सहानुभूति हुई कि ये लोग बेचारे इतने नासमझ हैं कि परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, यानी 24 घंटे आनंद की तरंग में रह सकते हैं, साक्षात परमात्मा इनके भीतर थिरक सकता है, लेकिन नासमझी के कारण ये नरक का जीवन जी रहे हैं। एक कंपैशन के कारण, करुणा के कारण बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो आपके बीच रहे। भगवान बुद्ध को क्या पड़ी थी? उन्होंने पूरा साम्राज्य का अनुभव ले लिया था, सारे साम्राज्य के मालिक थे, राजकुमार थे, जैसा चाहते वैसा जीवन जीते, उन्हें परम ज्ञान भी मिल गया था, यानी परम आनंद भी मिल गया था। वो चाहते तो अपना एक जगह बैठते और आनंद में जीते, लेकिन
बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी 40 साल तक जितना कठोर जीवन उन्होंने जिया है, गांव-गांव जाते, मक्खी मच्छर सब काटते और हर तरह की थकान, हर तरह की पीड़ा झेलते, केवल इसलिए कि लोगों को समझाना है, लोगों की सभाएं करना है, लोगों को नया जीवन देना है। केवल एक ही छटपटाहट उनके प्राणों में, लेकिन फिर भी आदमी इतना उलझा हुआ है, कीड़े मकोड़ों की तरह, जैसे गंदे नाली का कीड़ा गंदे नाली में पड़ा रहता है, अगर उसको वहाँ से मुक्त करना चाहो वो नहीं तैयार होगा। कहेगा मुझे मेरे स्वर्ग से मुक्त मत करो, वो संघर्ष करेगा वहीं बने रहने के लिए कि वहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, क्यों ऐसा करता है, उस गंदी नाली में पड़े रहने के लिए, क्योंकि उसने दूसरा लोक नहीं देखा है।